अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने 3-4 प्रोग्राम जो है ना आइस के नशे के ऊपर किए हैं। मुझे कल जो है ना एक बंदे ने फोन किया है और उसने व्हाट्सएप पे मुझे सारी तफसील बताई है। उसने मुझे बताया कि पिछले दिनों जो एक लड़के ने अपने माँ और बाप को कत्ल कर दिया दीर के इलाके में, लोअर दीर गालबन जगह का नाम है और ये फ्रंटियर जो है ना गालबन खैबर पख्तूनख्वा का ये वो इलाका है। वहां पर एक लड़का जो है ना टिकटॉक पे जो वीडियोस बनाता था उसका वालिद उसको 24 घंटे ये समझाता था कि ये काम ना करो, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम इतने पॉपुलर नहीं हो सकते कि हमारा कोई रोजगार जो है वो लग जाए या रोजी रोटी का सिलसिला चल पड़े, तो अपने काम की तरफ तवज्जो दो। वो लड़का इस चीज को जो है ना इग्नोर करता था, अपने बाप को किसी खाते में नहीं लिखता था, माँ की बात को किसी कोई अहमियत नहीं देता था। वो लड़का वहां पर जो है ना आइस के नशे पर लग गया। नाज़रीन, आपको जो मैंने बताया ना वही काम हुआ। उस लड़के ने आइस के नशे में अपने बाप के डांटने के बाद दिल बर्दाश्त होकर जो है ना उसके ऊपर आतिशी असले के साथ फायरिंग कर दी। पिस्टल के उसने 4 फायर अपने वालिद को मारे। जब वालदा ने मजम्मत की तो उसी नशे की हालत में उसने अपनी वालदा को भी जो है ना उसने कत्ल कर दिया। नाज़रीन, अब ये देखेगा जब ये पकड़ा जाता है ना तो ये बाकायदा पुलिस वालों ने इसको जब हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया तो ये लड़का जमीन पर बैठ के रो रहा था, क्योंकि उस वक्त गालबन 72 घंटे गुजर गए होंगे। 72 घंटे तक ये जो नशा ना आपको अपने शहर में मुबतला करे रखता है और आपके हवास बाख्ता कर देता है। किसी भी किस्म का जो है ना क्राइम करने में आप जो है ना अपनी हद को क्रॉस कर सकते हैं। आप उस क्राइम को जो है ना इस तरीके से करेंगे कि घरों के घर उजड़ जाएंगे और आपको होश तब आएगी जब इस बच्चे की तरह जो है ना आप कोर्ट में पेश होंगे 72 घंटे के बाद, तब आपको पता लगेगा कि आपके हाथ से अमल क्या हो गया। इस नशे से जो है ना इज्तनाब करें। मैं अपने नौजवानों को ये बताता हूँ, जो नौजवान इस चक्कर में लग रहे हैं ना कि बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ी तवानाई देता है, ये आपको मैं 6 महीने के बाद पूछूंगा जब आपको अपनी माँ और बाप का नाम भूल जाएगा। मेरा प्रोग्राम देखिए, अगर आपको पसंद है या तनकीद करनी चाहें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।